नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरीफायर से पानी तो आ रहा है लेकिन पानी थोड़ा कम आ रहा है, मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा कम आ रहा है, इतना भी ज़्यादा कम नहीं है। तो देखिए ये रिजेक्ट वाटर, देखिए दोनों इक्वल है। तो ये जो पंप है तो ये पंप भी लीकेज हो रहा है, मतलब जो बूस्टर पंप है आरओ वाटर प्यूरीफायर का। तो ये देखिए, ये जो सफ़ेद आपको दिख रहा है ये बहुत दिनों से लीकेज हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो नीचे देखिए पानी की बूंदें गिरी हुई है। तो इस तरह से ये पंप है, तो ये पंप लीकेज है और पानी भी जितनी मात्रा में आना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा है कि बूस्टर पंप का प्रेशर कम हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये पंप को दिख रहा है और पूरा की पूरा लीकेज और डैमेज पंप हुआ है। तो इसका जो हेड है, तो हेड चेंज करके हम देखेंगे, या फिर दूसरा भी कुछ प्रॉब्लम है, बेरिंग वगैरह रिप्लेस करनी पड़ती है या और कुछ रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये सब कुछ रिप्लेस करके हम देखेंगे कि ये पंप ओके होता है या नहीं है। अगर होता है तो किस तरह से इसका प्रेशर आएगा, जो आउटपुट प्रेशर है इनपुट प्रेशर है, तो ये हम देखेंगे। इससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो फिल्टर्स है तो ये फिल्टर्स रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि पंप हमें साइड में निकालना पड़ेगा या फिर ऊपर के ऊपर ही हम देखेंगे कि इसका हेड रिमूव हो जाता है। अगर हेड रिमूव हो जाता है तो बेरिंग भी रिमूव हो जाएगी, इसलिए हम देखेंगे पहले जो पंप के ऊपर वाले फिल्टर्स है इसको निकाल देते हैं। इससे पहले आपको अगर दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो फ़ोटो निकाल कर लीजिए, शॉर्ट वीडियो निकाल कर लीजिए, कौन सा फिल्टर कहाँ है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से मैं अभी क्लीन करूँगा, ये जो हेड के ऊपर जो स्केल जमा हुआ है पानी का, तो ये पूरी तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। पूरी तरह से निकालना है आपको, थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। और पूरा क्लीन करके पंप जो जहाँ जहाँ से लीकेज हुआ है वहाँ से क्लीन करके फिर एक बार हमें टेस्टिंग करना है, इसका प्रेशर टेस्ट करना है। प्रेशर टेस्ट करने के बाद ही डिसाइड करेंगे हम कि हुआ क्या है आखिर में। तो ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और अभी एक प्रेशर गेज आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रेशर गेज है, मतलब जो बूस्टर पंप है इसका प्रेशर पहले चेक करेंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे हम कि पंप ओके होगा या नहीं होगा। अगर प्रेशर कम हुआ है तो ओके होने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा हुआ है तो भी कोई मैटर नहीं, लेकिन ज़्यादा होता ही नहीं है। जिस पंप का भी लीकेज है, जो भी पंप लीकेज है, उसका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये इनपुट पाइप जोड़ देता हूँ। देखिए ये इनपुट पाइप जोड़ने के बाद, इनपुट मतलब इनपुट वाटर का पाइप है ये, उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि बूस्टर पंप से पानी आना है तो बूस्टर पंप को इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से प्रेशर गेज जोड़ के हो चुका है और अभी जोड़ेंगे हम ये केबल। ये देखिए, ये केबल जोड़ेंगे और ये दो वायर्स हैं, इसकी थ्रू हम उसको कनेक्शन दें। थोड़ा क्लीनिंग करके लेते हैं ताकि पानी नीचे गिर जाए तो पता चलेगा हमें। आसान हो जाएगा देखने में। तो इस तरह से पूरा क्लीन हो चुका है, अभी इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे देंगे। जो बूस्टर पंप है हमारा, इस पंप को एक एक एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू कनेक्शन दे देंगे। दोस्तों ये देखिए, यह कनेक्शन दे देता हूँ मैं, जो बोर्ड है इस बोर्ड में कनेक्शन दे दिया है और उस बोर्ड के थ्रू ही, मतलब जो एक्सटेंशन बोर्ड है, ये देखिए ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ रख देता हूँ और ये अपना पंप चालू हो चुका है। तो देखिए कितना प्रेशर है, मैं उंगली से दाब रहा हूँ, ये पाइप बंद कर रहा हूँ पानी, तो 90 के आसपास आ रहा है ये प्रेशर,
90 80 90 के आसपास आ रहा है, मतलब 80 90 प्रेशर तो बहुत कम प्रेशर है दोस्तों, क्योंकि वर्किंग प्रेशर ही उतना लगता है। मैक्सिमम प्रेशर 120 125 PSI के आगे दिखाना चाहिए। तो ये देखिए, ये बंद करता हूँ, जो नॉब है मैंने बंद कर दिया है, और देख सकते हैं आप इसका प्रेशर उतना ही दिखा रहा है, मतलब 85 के आगे दिखा रहा है 80-90 PSI। तो 80-90 PSI तो अपने मेम्ब्रेन को वर्किंग प्रेशर ही चाहिए उतना लगता है। अपने बूस्टर पंप का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उतना प्रेशर रिक्वायर्ड होना चाहिए, देना भी चाहिए। तो देखिए, अभी बेब बंद कर दिया, और अभी देखेंगे कि पंप लीकेज होता है या नहीं है, मतलब 90 PSI पे ये देखिए पूरा बंद है नॉब, और ये देखिए प्रेशर भी 90 PSI एक्चुअल में दिखाई दे रहा है यहाँ। और पंप देखिए, ये लीकेज हो रहा है, देखिए ये देखिए पानी टपक रहा है, मतलब जब पंप के ऊपर लोड आता है तो पंप क्या कर देता है, लोड रिलीज़ कर देता है या फिर लीकेज हो जाता है। तो इसका लीकेज निकालेंगे, लीकेज निकालेंगे तभी इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो प्रॉपर तरीके से ये वर्किंग कर पाएगा। तो बहुत ज़्यादा लीकेज है दोस्तों, ये देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बूस्टर पंप रिपेयर करना ही पड़ेगा। इसको रिपेयर किए बिना ओके होने का कोई चांस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, कम ज़्यादा मैं करके देख रहा हूँ प्रेशर कि 90 PSI से कम प्रेशर आता है तो लीकेज नहीं होता है, लेकिन 90 PSI से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो पंप लीकेज हो जाता है, मतलब पुराने मेम्ब्रेन पे ये पंप लीकेज होगा ही होगा। ये देखिए, तो सीधी सी बात है कि इस पंप को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर ऊपर ही उसका हेड खोलने की कोशिश करेंगे। ये पूरा निकाल देता हूँ, ये देखिए ये जो प्रेशर गेज है इसको निकाल कर साइड में रखेंगे, और इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि करंट लगने की चांस रहेंगे अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन चालू रहेगा तो। एक स्क्रू ड्राइवर, मतलब स्टार का एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये जो हेड है ये देखिए, तो ये हेड हम रिप्लेस करके देखेंगे, और अगर बेरिंग की ज़रूरत पड़ती है रिप्लेस करने की तो बेरिंग भी करेंगे, लेकिन पहले हेड चेंज करके देखेंगे। तो अभी स्टार वाला जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से हम इसका हेड खोलेंगे पहले। ये देखिए, जो बीच वाली स्क्रू है हेड के, ये देखिए ये बीच वाली, तो ये आपको निकालने हैं तीन स्क्रू, जो ओभार वाले स्क्रू होते हैं उसको नहीं निकालना है। ये देखिए, तो ये पूरी तरह से स्लिप हो रहा है, ये देखिए नहीं निकल रहा है, पूरी तरह से स्लिप हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए पूरा जोर लगा के मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये स्लिप हो रहा है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा निकलता है क्या। तो बीच वाले ये तीन दोस्तों, ये ऊपर वाले जो मैं अभी, ये एक और तो ये नहीं निकल रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, पंप को ही बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये पंप को बाहर निकालने के लिए आपको ये फिल्टर की टैंक है, टैंक को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, टैंक की जो स्क्रू है, तो ये टैंक के स्क्रू निकालने पड़ेंगे तभी हम बूस्टर पंप रिमूव कर सकते हैं। देखिए इस साइड का जो स्क्रू है, तो ये भी रिमूव कर देता हूँ, आराम से रिमूव करना है दोस्तों। और आप जो स्क्रू निकाल रहे हो ये भी सही तरीके से अच्छी ढंग से रखना है, क्योंकि अगर गिर जाते हैं इधर उधर तो प्रॉब्लम आपको ही आना है। तो पीछे के दो स्क्रू है तो ये भी निकाल देने पड़ेंगे आपको, टोटल चार स्क्रू हो गए, तो ये चार के चार स्क्रू पूरी तरह से रिमूव करना है। तो इस तरह से स्क्रू निकल गया है, और ये जो ऊपर की बॉडी उठा के ऐसी रख देनी है, जो नीचे आपको
ये ऊपर की साइड है तो इसमें एक स्क्रू सटा देना है, जो ऊपर वाला नॉब है उसमें एक स्क्रू ड्राइवर सटा देना है। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर ऊपर से लगा देता हूँ इस तरह से, और इसको टेढ़ा करके पकड़ की मदद से ये जो बाहर के बोल्ट है तो ये बोल्ट घुमा के निकालने हैं, क्योंकि बहुत दिनों से उसको खोला नहीं जाता है ना, एक एक दो दो साल नहीं खोलते इसको, तो ये पूरी तरह से जंग लग के बोल्ट टाइट हो जाते हैं, निकलते नहीं है, इसलिए हमको इस तरह से इसको रिमूव करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो ये निकल गया, सभी स्क्रू इस तरह से आपको बारी बारी से निकाल देना है। हाथ से निकालता है तो अच्छी बात है, हाथ से निकालना है। स्क्रू ड्राइवर पीछे से लगवाना पड़ता है तो भी लगवा दीजिए, जो स्लॉट होता है नट के ऊपर का तो उस पर आपको स्क्रू ड्राइवर लगाना है। और ये देखिए पूरी तरह से ये निकल चुके हैं और ये अपना पंप अलग हो चुका है बॉडी से, तो इस तरह से ये पंप अलग हो चुका है। इसका जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कीजिए, निकाल दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन साइड में निकाल कर पंप को हमने साइड में निकाल दिया है। तो इस तरह से अभी ये पंप नीचे, इस तरह से नीचे पकड़ कर, ये देखिए पैरों में पकड़ कर, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई तो टेक्निक नहीं है निकालने के लिए, तो उसको पैरों में पकड़ कर ऊपर से ज़ोर से प्रेस करके स्क्रू निकालना है आपको। तो ये निकल रहे हैं, जिस स्टाइल से मैं निकाल रहा हूँ तो उस स्टाइल से निकल रहे हैं आराम से दोस्तों, नहीं तो आपके पैरों पर स्क्रू ड्राइवर लग सकता है। तो इस तरह से पूरे के पूरे स्क्रू ढीले करके लिए हैं, ढीले के हुए हैं पूरे के पूरे। अभी इसको ऊपर रख कर निकाल देंगे इसको। तो ये देखिए इस तरह से आपको, ये देखिए निकाल के लेना है, आराम से निकाल के लेना है। निकल गया दूसरा, निकल गया। तीसरा जो स्क्रू है इसको भी इसी तरह से निकालना है आपको, जिस तरह से पहले दो निकाले। तो ये देखिए पूरी तरह से बाहर रिमूव करना है, इसको बाहर निकालना है पूरी तरह से, तभी हम इस पंप को खोल पाएंगे। तो ये देखिए ये स्क्रू नहीं निकल रहा है, मतलब अंदर ही स्लिप हो रहा है, तो इसको थोड़ा ये देखिए बाहर इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से नहीं हो रहा है, उंगली से करता हूँ, उंगली से बाहर उसको खींचना है और स्क्रू ड्राइवर से घुमाना है, तो ये अपने आप बाहर आता जाएगा। तो इस तरह से निकल गया, तो ये पूरे की पूरे स्क्रू फिलहाल निकल चुके हैं। ये देखिए तीन स्क्रू निकालना है हमें, और यहाँ देखिए ये वाला स्लॉट है, यहाँ से हेड रिप्लेस करना है आपको, और ये जो आगे वाला स्लॉट है इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ क्या करना है, यहाँ से हेड आपको निकालना है इस तरह से। ये देखिए सेम इसी तरह से, जो इसको कुछ भी नहीं कर, ये जो पीछे वाला है ये देखिए मैं जहाँ से निकाल रहा हूँ तो वहाँ से ही आपको
इसको रिमूव करना है हेड को। तो ये पूरी तरह से हेड रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं आप। और लगाएंगे नया वाला हेड, ये देखिए, इसको घुमा रहा हूँ। इसकी बेरिंग तो ठीक ठाक है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन बेरिंग है, बेरिंग रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। बेरिंग हो गया, अगर बेरिंग पूरी तरह से रस्टी हो चुकी है, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, तो हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी या फिर ऑयलिंग करके तो उसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो ये नया वाला हेड लगा देता हूँ दोस्तों। तो इस हेड को, ये जो दो स्लॉट है ये देखिए, ये दो स्लॉट, इसको क्या करना है आपको, नीचे की साइड में लगाना है, नीचे की साइड में करना है। तो ये मैं घुमाता हूँ, ये देखिए इस तरह से घुमाता हूँ और उसको नीचे ले लेता हूँ, ये जो दो स्लॉट है उसको। और पिस्टन का जो स्लॉट है इसको हेड के स्लॉट, हेड का जो फीमेल स्लॉट है उसमें अच्छी तरह से लगा देता हूँ और अपने हाथ से हल्का हल्का मारना है उसको, हेड को। तो हेड अपने आप अंदर जाएगा, ये देखिए। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हथौड़े से वगैरह कुछ लोग लगाते हैं मार के, तो वो ऐसा नहीं करना है आपको। अपने हाथ से ही, जो हेड अपने हाथ से आराम से बैठ जाता है उस हेड की लाइफ अच्छी होती है, उस पंप की लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है। अपने अपने हाथ, जो हमारा हाथ होता है उसका इतना मार नहीं लगेगा, तो सिर्फ अंदर जाने के लिए मदद करेगा थोड़ा। ये देखिए, ये जो पंप है और ये जो हेड है पूरी तरह से मैच हो चुकी है अच्छी तरह से, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हेड दूसरा लगाया है, इसी पंप का हेड है, ऐसा महसूस होता है दोस्तों। ये देखिए पूरी तरह से बैठ चुका है, देखिए समझ में भी नहीं आ रहा है कि हेड नया है, हेड ऐसा लग रहा है इस पंप का ही हेड है। तो इस तरह से आपको बाद में वापस स्क्रू लगा देने है, देखिए। थोड़ी तकलीफ़ होती है दोस्तों हेड चेंज करने में या फिर बूस्टर पंप रिपेयर करने में, लेकिन पंप ओके हो जाता है। अगर थोड़ी आप तकलीफ़ उठाते हैं तो पंप रिपेयर हो जाता है दोस्तों, आराम से रिपेयर हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से स्क्रू आपको आराम से टाइट करना है, ज़्यादा आपको ज़ोर ज़बरदस्ती भागदौड़ नहीं करनी है, एक एक करके सभी स्क्रू आपको लगवाने हैं और पैरेलल टाइट करना है। नहीं तो एक ही टाइट करोगे, फुल टाइट करोगे एक ही, फिर दूसरा टाइट करने जाओगे तो ये प्रॉपर फिटिंग नहीं होगा दोस्तों। लोड आएगा पंप के ऊपर, जो पिस्टन है पिस्टन आउट घूमेगा, तो आपको क्या करना है, पैरेलल टाइट करना है जो स्क्रू है, तीनों के स्क्रू, तो इसको पैरेलल टाइट करना है। मतलब पैरेलल का मतलब एक समान, ये ध्यान में रखिए। तो इस तरह से ये पूरा की पूरा हेड टाइट हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से पूरी तरह से ये टाइट हो चुका है हेड दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेड लग चुका है ये। थोड़ा भी हथौड़े का वगैरह मैंने या हैमर का मैंने यूज़ नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से ही उसको असेंबल किया है। जो बड़ा वाला स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी मदद से थोड़ी फिटिंग कर लीजिए इसकी। तो ये स्क्रू या फिर हेड रिप्लेस करके मैंने पूरी तरह से ओके कर दिया है। और ये जो एल्बोज है पुराने वाले, आपके पास अगर नए नहीं है तो पुराने वाले हेड के ही निकाल कर लगा दीजिए, नए है तो अच्छी बात है, नए ही लगा दीजिए, अगर नए नहीं है तो पुराने वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा नए ही लगा दीजिए ताकि सब कुछ नया हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा टेप्लॉन टेप लगा देते हैं, जो थ्रेडिंग है इस एल्बोस का, तो उस थ्रेडिंग के ऊपर थोड़ा टेप्लॉन लगाएंगे ताकि फिटिंग अच्छी होगी।
प्रॉपर फिटिंग होगी, लीकेज नहीं रहेगा। 5-6 राउंड भी लगा दिए तभी भी एक हो जाता है, मतलब ज़्यादा पंप के हेड को जो पंप का जो एल्बोज होते हैं, पंप के एल्बोज को ज़्यादा टेफ्लॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनकी फिटिंग ही प्रॉपर होती है, कम ज़्यादा नहीं रहती है। एक हो गया और अभी दूसरा देखते हैं। लगा देंगे पंप के हेड के ऊपर। आराम से टाइट करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो टूट जाएगा, फिर बाद में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए रिपेयरिंग करते वक्त ताकत का इस्तेमाल करना नहीं, आपको जो आपकी ताकत है कहीं और यूज़ कीजिए, लेकिन यहाँ सिर्फ टेक्निक और दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा आपको। ताकत का यूज़ करोगे तो कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा, दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एक तो प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये काम हो चुका है। अभी देखिए ये पंप हमने इंस्टॉल किया है इस वाटर प्यूरीफायर के ऊपर, तो देख सकते हैं आप किस तरह से चल रहा है। ये देखिए प्रॉपर वर्किंग के साथ प्योर और रिजेक्ट पानी भी आ रहा है, तो ये फ्लो तो प्रॉपर वर्किंग के साथ हो गया, लेकिन इसका लीकेज देखते हैं। ये देखिए पंप का थोड़ा भी लीकेज नहीं है, ये देखिए नीचे एक भी बूंद नहीं गिर रही है, एक भी बूंद, मतलब ये पंप अच्छी तरह से रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये जो हेड है पुराना तो इसका कुछ काम अभी बचा नहीं है, इसको हम फेंक देंगे या फिर कहीं और इसका यूज़ तो होने वाला ही नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा। तो चलिए थैंक यू।